खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर दिए बयान पर कनाडा चौतरफा घिर गया है। एक ओर जहां भारत कनाडा को डिप्लोमेसी के जरिए सबक सिखा रहा है, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद अपने ही घर में विपक्षियों द्वारा घिरे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से ट्रूडो ने संसद में बयान दिया है और इनके मामले ने तूल पकड़ा है, तब से ही खालिस्तानियों से ताल्लुक रखने वालों पर एनआईए शिकंजा कस रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां भारत सरकार ने पंजाब में खालिस्तानी नेताओं की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनको अपनी रडार पर लगा रही हैं। मीडिया खबरों की माने तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 19 गैंगस्टरों और खालिस्तानी समर्थकों की एक लिस्ट जारी की है। इन सभी की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही एनआईए ने पंजाब पुलिस से फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागने वालों की पूरी जानकारी मांगी है। भारत ने कनाडा से साफ कहा है कि वहां पर कट्टरपंथी तत्वों की हरकतों पर अंकुश लगाए। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अब कनाडा को हकीकत समझ में आ गई है। कनाडा के गुरुद्वारे में भारतीय राजनयिकों की हत्या की अपील वाले पोस्टर हटा दिए गए। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अहम हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच जारी रहने तक उनका देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंधों के बारे में ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है और ये ऐसा साबित भी हुआ है। ब्लेयर ने आगे कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति अभी भी कनाडा के लिए अहम है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को सिख अलगाववादी नेता निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित भूमिका के ट्रूडो के विस्फोटक आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें।